वीक के अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि किस तरह से हम फीचर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं टू इनपुट इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। दूसरा हमने ये देखा कि किस तरह से हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसके लिए डिफाइन करते हैं, और ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जो है वो किस तरह से काम करता है। इस जो वीडियो है इसके अंदर हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो एक उसका वेरिएंट है ग्रेडियंट डिसेंट का, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और वेरिएंट है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, उसको डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आती है, और उसके लिए हम रेगुलराइजेशन जो है उसको यूज़ करते हैं। सो अगर हम स्टार्ट करें तो लास्ट वीडियो से, हम जो लास्ट उसकी स्लाइड थी वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखा था कि किस तरह से ग्रेडियंट डिसेंट का एक स्टेप जो है वो किस तरह से काम करता है, और उसमें हम z कंप्यूट करते हैं, a जो है उसकी वैल्यू कंप्यूट करते हैं यूजिंग आवर सिग्मॉइड या लॉजिस्टिक फंक्शन, और उसके बाद हम देखते हैं जी कि कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे जो हमारी एक्टिवेशन है या सिग्मॉइड अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई है उसमें, और जो एक्चुअल वैल्यू जैसे सेंटीमेंट की वैल्यू लेट्स से अगर 1 है तो क्या जो एक्टिवेशन है वहाँ पे वैल्यू जो है वो अगर 0.6 आ रही है, 0.6 माइनस 1 जो है वो हमारी dz की वैल्यू आ जाएगी। उसी की बेस पे हम ये हमने देखा कि हम उसका जो वेट है उसमें क्या चेंज आ रहा है उसका डेरिवेटिव जो है वो कंप्यूट करते हैं, और इसी तरह से हम जो बायस टर्म है उसका जो डेरिवेटिव है वो कंप्यूट करते हैं, और उनकी एवरेज लेके हम वेट और बायस में से माइनस कर देते हैं, और हमारे पास नई जो है वेट और बायस की वैल्यू जो है वो आ जाती है हमारे पास। अच्छा, इसमें ये जो सारे स्टेप्स हो रहे हैं ये एक्चुअली एक स्टेप है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का, और ग्रेडियंट डिसेंट जो है उसके काफ़ी सारे वेरियंट्स हैं। ग्रेडियंट डिसेंट जो बेसिक हम डिस्कस करते आ रहे हैं वो तो बेसिकली आइडिया उस पर यह है कि अगर लेट्स से आपके पास 10,000 सेंटीमेंट एनालिसिस का जो डाटा सेट है उसमें 10,000 एग्जांपल्स हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट्स की सारी लेट्स से मूवी रिव्यूज़ हैं, तो उन 10,000 एग्जांपल्स जो हैं वो पूरी की पूरी 10,000 एग्जांपल्स पे जो है वो डेरिवेटिव dw और db जो है वो कंप्यूट होगा। तो इसको जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो सारी की सारी एग्जांपल्स पे जो है वो कंप्यूट करेगा डेरिवेटिव्स, और उसकी बेस पे जो है वो वेट और बायस टर्म जो है उसको अपडेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि एक एग्जांपल जब आए, एक रिव्यू या एक सेंटीमेंट की जो एग्जांपल है किसी मूवी रिव्यू की, वो जब एल्गोरिथम के पास आए उसकी बेस पे एल्गोरिथम जो है वो वेट्स को एडजस्ट करे, वेट्स को और बायस टर्म को, तो उसके लिए हम सिंपली एक एग्जांपल पे सेम सारा यही प्रोसेस जो है ये अप्लाई करते हैं, और उसको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो बैच ग्रेडियंट डिसेंट से किस तरह से डिफरेंट है कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर जो है वो सारी की सारी एग्जांपल्स ऑल टुगेदर जो है वो एल्गोरिथम को दे दी जाती हैं एज इनपुट, और उसकी उन सारी एग्जांपल्स को आप ऐसे समझ लें कि प्रोसेस करने के बाद जो है एल्गोरिथम जो है वो डिसाइड करता है कि W की क्या वैल्यू अपडेट करनी है और B जो है उसकी क्या वैल्यू जो है वो अपडेट करनी है, जबकि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो एक एग्जांपल को देख के ही वेट्स को और बायसेस को जो है बायस टर्म को जो है वो एडजस्ट करता है। इसी की एक और वेरियंट जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, यहाँ पे मिनी वर्ड आएगा स्टार्ट पे, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट जो है उसमें हम क्या करते हैं कि हम बजाय कि हमारे पास अगर 10,000 रिव्यूज़ हैं तो 10,000 रिव्यूज़ को हम इकट्ठे प्रोसेस करें, हम उनके बैचेस बना लेते हैं, ठीक है। बैचेस जो हैं क्योंकि एक दोनों जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें भी प्रॉब्लम है और बैच ग्रेडियंट डिसेंट में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। बैच में 10,000 एग्जांपल्स को प्रोसेस करने के बाद जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो एक स्टेप लेगा, ठीक है। वो स्टेप तो बेहतर वो डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि उसने सारी एग्जांपल्स को देख लिया, लेकिन वो बहुत स्लो हो जाएगा,
इसी तरह से स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो है, क्योंकि वो सिर्फ एक एग्जांपल को देख के वेट्स को एडजस्ट कर रहा है, तो इसलिए उसमें वेट्स जो है उसमें वो कन्वर्ट्स तो कर जाएगा समहाउ, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और वो बहुत आप यूँ समझ लें कि वेट्स जो हैं वो ग्लोबल मिनिमा की तरफ जो हैं वो फौरी तौर पे नहीं जाएंगे, वो इनकी डाइवर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो एक आप यूँ समझ लें कि एक दोनों के जो हैं उसमें एडवांटेज आ जाते हैं कि एक छोटा बैच जो है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं एल्गोरिथम को, उसकी बेस पे वो डिसाइड करता है कि उसने किस डायरेक्शन में वेट्स को जो है वो चेंज करना है। तो इसमें फिर बैच ग्रेडियंट डिसेंट आ गया, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट आ गया और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो इसमें आ गया। इन तीनों को आप यूज़ कर सकते हैं, प्रेफरेबल है कि आप मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट जो है उसको यूज़ करें। और उसमें जो मिनी बैच लेट्स से अगर 1000 का आप रखते हैं और 10,000 एग्जांपल्स हैं, तो 10,000 एग्जांपल्स में जब 10 मिनी बैचेस जो हैं वो सारे प्रोसेस हो जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि एक इपॉक जो है वो हम कहेंगे कि हुई है, एक इपॉक एक यू समझ लेंगे एक पास हुआ है ओवर ऑल द ट्रेनिंग एग्जांपल्स, तो उसे हम एक वन इपॉक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मिनी बैच में, मिनी बैच इंग्रेडिएंट डिसेंट के अंदर फर्दर ये है कि आप डिफरेंट बैच साइजेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे 64 एग्जांपल्स आप दे दें, 128 एग्जांपल्स दे दें, 256 एग्जांपल्स आप एज इनपुट दे दें, और ये नॉर्मली मेमोरी की लिहाज से किया जाता है कि जितनी मेमोरी होती है, क्योंकि मेमोरी भी नॉर्मली 2 की पावर में होती है, तो उसी तरह से बैच का जो साइज़ है मिनी बैच का वो भी उसी तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो एक वर्किंग एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि एक स्टेप जो है, और हम यहाँ पे सिंपल जो है वो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के हवाले से डिस्कस करते हैं। स्टोकेस्टिक का क्योंकि वो सिर्फ एक एग्जांपल को देख के जो है वो वेट्स को एडजस्ट करता है, तो हम सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल की बेस पे जो है वो देखते हैं कि कैसे वेट्स जो हैं वो अपडेट होते हैं। तो लेट्स से हमारे पास दो फीचर्स हैं, आप वो पहली वाली वीडियो रिमाइंड करें जो जिसके अंदर हमने कुछ फीचर्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए थे। फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट, पॉजिटिव लेक्सिकॉन्स जो हैं वो कितने हैं किसी रिव्यू के अंदर, नेगेटिव जो हैं वो लेक्सिकॉन्स कितने हैं। तो इसमें बजाय कि हम 4, 5, 6 थे उसके अंदर आई गेस जो फीचर्स थे, तो हम सिर्फ 2 फीचर्स को लेके उनके वेयर्स को अपडेट करके देखते हैं, उनकी बेस पे वेयर्स को अपडेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का एक स्टेप जो है वो कैसे काम करेगा। इनिशियली हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि W1, W2 और B जो है उन सब की वैल्यू जो है वो 0 है, तो ये इस तरह से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। लर्निंग रेट जो है वो हम 0.1, 0.01, 0.001 इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज जो है वो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लर्निंग रेट अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू 0.1 जो है वो सेट कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह से आप को याद होगा पिछली स्लाइड के अंदर अभी मैंने आपको दिखाया भी है कि हमने वेट्स को अपडेट करना है और वेट में से अल्फ़ा और DW की जो वैल्यू है उसको माइनस करना है। इसी तरह से बायस को हमने किस तरह से अपडेट करना है कि बायस में से माइनस करना है हमने अल्फ़ा टाइम्स जो DB की जो वैल्यू आ रही है। तो DW और DB की वैल्यूज जो हैं वो कैसे कंप्यूट होंगी? DW जैसे हमने देखा कि x टाइम्स DZ ट्रांसपोज से हम कंप्यूट करते हैं, और इसी तरह से DB जो है वो एक एग्जांपल के लिए उसकी DZ वैल्यू होगी। जब हम सब सारी एग्जांपल्स का देख रहे थे तो हमने सम लिया था DZ का फॉर ऑल एग्जांपल्स, तो एक एग्जांपल के लिए डेफिनेटली DZ की वैल्यू जो है वो होगी। तो इसी तरह से DW का आपको याद होगा लास्ट जो आपने एल्गोरिथम देखा वहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया था 1/m से, तो यहाँ पे क्योंकि हम एक ही एग्जांपल के लिए कर रहे हैं तो एक एग्जांपल के लिए हमें इसको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो DW है ये हम कैसे कंप्यूट करेंगे? हम x को मल्टीप्लाई करेंगे DZ ट्रांसपोज से। ठीक है, तो DZ ट्रांसपोज यहाँ पे मैंने DZ ट्रांसपोज जो है उसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, उनको बजाय कि मैं इस तरह से एक रो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, मैंने उसका पहले जो है यहाँ पे उसको ट्रांसपोज फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे पहली वैल्यू आ रही है उसकी DZ की,
डीजी की वैल्यू जो है वो एक्चुअल जो वैल्यू कंप्यूट होके आ रही है माइनस वाई, ठीक है। इसी तरह से दूसरे जो वैल्यू है उस वो भी इसी तरह से कंप्यूट होगी, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे W1 आएगा और यहाँ पे W2 आएगा, ये मिसिंग है, ये नोट कर लें, W1 और W2 आएगा यहाँ पे। तो W1 और W2 यहाँ पे मैटर नहीं करता, दोनों के वेट्स जीरो ही हैं, तो यहाँ पे उसका जो टोटल आंसर आएगा वो जीरो आएगा। और एक्सपेक्टेड है, लेट से हम कहते हैं कि जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है, उसको हमने 1 की वैल्यू दी हुई है, तो 1 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, उसके बाद इसको जब हम कंप्यूट करेंगे तो जब हम सिग्मॉइड लेते हैं 0 का, तो उसकी वैल्यू जो है वो 0.5 आती है। 0.5 में से 1 जो है वो माइनस करें तो -0.5, यहाँ पे भी -0.5 वैल्यू आएगी। अब X1 और X2 की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास वैल्यूज 3 और 2 हैं, उनसे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो DW की हमारे पास वैल्यू -1.5 और -1.0 आ गई। इसी तरह से DB जो है उसकी वैल्यू हमारे पास, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि DZ की जो वैल्यू है वो हमारे पास -0.5 आ रही है, तो DB इज इक्वल टू DZ, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी -0.5 होगी। अच्छा, इसके बाद हमने ये अपडेट रूल्स जो हैं इनको अप्लाई करना है, जिसकी बेस पे हमने W और B की वैल्यू को अपडेट करना है। तो लास्ट जो हमने एल्गोरिथम देखा उसमें वो वेक्टर की फॉर्म में है, इसलिए हम अभी उनको अलग अलग कंप्यूट कर लेते हैं, W की वैल्यू को, W1, W2 और B की वैल्यू को। तो यहाँ पे हमारे पास W1 की जो वैल्यू है वो आ गई 0 -0.1, -1.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.15 आ गई। इसी तरह से W2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.1 आ गई, और फाइनली हमारे पास B की जो वैल्यू है वो 0.05 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से इनिशियली हमारे पास जो वेट्स थे W1, W2 और B के, उनकी वैल्यू 0 थी। अब हमारे पास W1 की वैल्यू 0.15 आ गई, W2 की वैल्यू 0.1 आ गई, और B जो है उसकी वैल्यू 0.05 आ गई। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्टेप्स जो है वो लेते जाएंगे, और उसके बाद हम एक खास डिफाइंड एरर जब इतना मिनिमाइज रह जाएगा, एक एप्सिलॉन वैल्यू सेट कर लेते हैं कि जब एरर इतना मिनिमाइज रह जाए, या इतनी आइट्रेशंस के बाद हम उसको जो है वो स्टॉप कर सकते हैं, लेट्स से 10 आइट्रेशंस के बाद, 20 आइट्रेशंस के बाद, या 100 आइट्रेशंस के बाद, जितनी भी आइट्रेशंस हमने देनी है उसके बाद हम उसको स्टॉप करेंगे, तो हमारी जो वेट्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर डेटा सेट। अच्छा, इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो नॉर्मली फेस हम करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, दैट इज़ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग क्या है कि हमारा जो मॉडल है वो हमारे ट्रेनिंग डाटा पे बड़ी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, यानी कि उसमें हम जो भी एग्जांपल उसको देते हैं उसमें वो हमें लेट्स से 99% 100% एक्यूरेसी दे रहा है। वो पॉजिटिव सेंटीमेंट या रिव्यू देते हैं तो उसको पॉजिटिव कहता है, नेगेटिव सेंटीमेंट का रिव्यू देते हैं तो उसको वो नेगेटिव कहता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा वही वाला मॉडल जो है वो टेस्ट डाटा पे से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो इट मींस के ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी उसकी ट्रेनिंग डाटा पे, जो उसने डाटा सीन है उसका, उस पर तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन अनसीन डाटा पे परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो रही है। इट मीन्स कि हमारा मॉडल जो है वो बेहतर जनरलाइज नहीं कर रहा, ठीक है। तो नॉर्मली हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा LLP के अंदर भी और ओवरऑल जनरली बाकी मशीन लर्निंग के अंदर भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी मॉडल जो है उसकी ट्रेनिंग करवाएं उसको हम वो ऐसा मॉडल हो जो कि ट्रेनिंग डाटा पे तो अच्छा परफॉर्म करें लेकिन टेस्ट डाटा पे भी अच्छा परफॉर्म करें, यानी वो जनरलाइज अच्छा करें, उसको कोई भी आने वाली नई एग्जांपल जब भी मिले तो उसमें वो बेहतर परफॉर्म करें। तो उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि हम रेगुलराइजेशन जो है उसको यूज़ करते हैं। रेगुलराइजेशन जो है, जब भी आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करेंगे तो आप रेगुलराइजेशन साथ में ज़रूर यूज़ की जाती है, और उसमें जो उसका कॉस्ट फंक्शन है उसके अंदर हम बेसिकली दो तरीके से जो है वो रेगुलराइजेशन करते हैं। पहला तरीका जो है दैट इज़ नोन एज L1 रेगुलराइजेशन, जिसे लेसो रेगुलेशन भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे
जो वेट्स हैं जो कि W1 W2 अपवर्ड्स जितने भी वेट्स हैं उसको अगर हम थीटा से रिप्रेजेंट करें तो हम एक हाइपर पैरामीटर यूज़ करते हैं लैम्डा, जिसकी वैल्यू हम खुद सेट करते हैं, और इसकी वैल्यू हम जो है वो एक बड़ी वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है, ताकि थीटा जो है वो जितनी भी उसकी वैल्यू पैरामीटर्स हैं W1 W2 W3 अप टू WN सबको जो है वो एक छोटी वैल्यू जो है वो एल्गोरिथम असाइन करें, यानी ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो वेट से अब असाइन करें, क्योंकि वो इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहा होगा तो वो इसको क्योंकि ये हम इसको अब मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी को हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज करते हुए जब इसको हम माइनस कर रहे हैं तो अल्फा की एक बड़ी वैल्यू अगर इसे माइनस हो रही है तो एल्गोरिथम जो है वो जब इसके वेट्स को एडजस्ट करेगा तो वो कोशिश करेगा कि वो छोटी वैल्यूज जो हैं वो वेट्स को असाइन करें, और यहाँ पे उनकी एब्सोल्यूट लेके हम उसका सम करके उसको जो है वो जो हमारा रेगुलराइजेशन पैरामीटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो टोटल हमारी वैल्यू है उससे माइनस कर देंगे। तो एक रेगुलराइजेशन का ये तरीका है जिसे हम लेसो रेगुलेशन का नाम भी देते हैं। इसी तरह से L2 रेगुलराइजेशन है जो कि ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हम रेगुलराइजेशन इस तरह से ऐड करते हैं कि हम उसका जो वेट्स है उनका स्क्वायर लेके उनको सम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी थीटा जो है वो वेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं W1 W2 अप टू WN, और सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि उनका स्क्वायर लेके उनका सम लेके उसको हम टोटल फंक्शन जो है उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ओवरफिटिंग से बचने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, और इसमें L2 रेगुलराइजेशन जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है।